शौच करने गई आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म, 2 दिन तक लगाया थाने का चक्कर। पीड़ित ने लगाया आरोप, राजनीतिक दबाव के चलते नहीं हो रही थी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। महिला अपने घर से शौच के लिए बाहर गई हुई थी, इसी बीच धर्मपाल सिंह घात लगाए हुए बैठा था। जैसे ही महिला को आते देखा तो महिला का मुंह दबाकर जबरन सुनसान जगह पर ले गया और जब महिला ने विरोध किया तो महिला के साथ मारपीट भी की और फिर आरोपी दरिंदे ने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी सरपंच का पति है। आरोपी की पत्नी ग्राम पंचायत टिकुरी की सरपंच है। घटना की जानकारी महिला रोते बिलखते घर पहुंचकर अपने पति को दी, जिसके बाद महिला अपने पति संग सुहागी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करने की बात कही, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और 2 दिनों तक थाने का चक्कर लगवाते रहे। जब खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो पुलिस ने आनन फानन में आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश में जुटी है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने कहा कि यह घटना 24 अक्टूबर की है। जब महिला थाने आई और घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 376 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। सूचना मिली है कि आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम यूपी भी गई हुई है। यह घटना 23 अक्टूबर की है। पीड़ित 24 अक्टूबर को सुबह थाने आए थे और 24 अक्टूबर को दशहरा भी था। उस दिन पुलिस बहुत व्यस्त थी और महिला की रिपोर्ट महिला अधिकारी द्वारा ही की जाती है। क्या कुछ घटना घटित की थी आपके साथ? हाँ, हमने बगैचा भी उसमें बगैचा ले गए थे। आज कैसे उठे पीछे था हमारा मुँह दाबा। कौन मुँह दाबा? धर्मपाल मुँह दाबा। मुँह दाब रख दिया जमीन में, उसने हमें चाटा मारा। गलत भी किया हमारे साथ, मतलब क्योंकि उसने हमको धमकी दिया कि मारेंगे, कुछ बताया कि घर से जाएंगे मारेंगे, तेरे को तेरे पति को ही मारेंगे, धमकी दिया मारेंगे। उसके बाद उसको चला गया, धमकी गाली दिया, माँ भी गाली भी दिया। हमने अपने पति से बताया कि शाम से ही 5 बजे दुर्गा माता की हुई मार पिटाई, थोड़ा बहुत हमारा पति लाठी मारे थे, पकड़ लिया। सुहागी थाने आप लोग रिपोर्ट करने गए थे, जो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही थी, पुलिस वालों के द्वारा क्या कहा जा रहा था? 2 दिन से बैठे थे हम लोग, नहीं लिख आ रही थी रिपोर्ट। पुलिस वाले क्या बोल रहे थे? पुलिस वाले बोल रहे थे कि रुक जाओ, पर खाए रहे थे, बैठा रहे थे, फोन में बात कर रहे थे, पता नहीं किस से बात कर रहे थे। तो आपकी शासन प्रशासन से कुछ मांग है, क्या होना चाहिए आपके साथ? हमने बोला इससे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये थी सर कि हम जब रिपोर्ट लिखाने गए तो हमारा रिपोर्ट नहीं लिखा गया। 2 दिन से हम बैठे थे वहाँ, फिर उसके बाद हमारी रिपोर्ट 2 दिन हो गया नहीं लिखी गई। फिर मीडिया वालों के जरिए से हम को कुछ सहारा मिला, तब जाके हमारा FIR दर्ज किया गया। तो पुलिस वाले क्या बोल रहे थे, क्यों नहीं लिख रहे थे रिपोर्ट? पुलिस वाले खाली बैठाए थे और रिपोर्ट लिख के पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। बार बार उनका फोन आ रहा था, बातों से हमको लग रहा था कि रमा शंकर का फोन आ रहा है। ये रमा शंकर कौन है? ये रमा शंकर राम लखन के सुपुत्र हैं, जो आज चुनाव में लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, तो उनका दबाव आ रहा था रिपोर्ट न लिखने के लिए? हाँ, हाँ। अच्छा, वो जो बलात्कार किया है धर्मपाल सिंह, हाँ, तो
उन्हीं का भाई लगता है, यहाँ ननिहार है हमारे यहाँ। किसका ननिहाल है? वो उनका रमा शंकर का। अच्छा, रमा शंकर का यहाँ ननिहाल है। तो उनका दबाव, इसीलिए दबाव बना रहे थे, उनका रिश्तेदार है। हाँ, उनका रिश्तेदार है, पैसा वाला है, तो कहता है हमारी बस्ती नहीं बोल पा रही है, इसलिए नहीं बोल पा रही है, कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि सब डरे सहमे हुए हैं। हम एक हिम्मत जुटा के इससे झगड़ा कर लिए, बाकी आदमी बोलने वाले नहीं हैं, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका दबाव बना है। और रमा शंकर जो हैं वो बहुत गंदे घटिया किस्म के आदमी हैं, जो अपने चुनाव लड़े हैं फिर भी अपने फायदे के लिए आदमी अपने रिश्तेदार का साथ दे रहा है, हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है। आपकी स्वयं क्या रमा शंकर जी से बात हुई कुछ? बात हमारी नहीं हुई, लेकिन हम वहाँ पर जब थाने में बैठे थे तब TI साहब उनसे बातें लाभ होती थी, तो हम बाजू में बैठे थे तो हमको पता लग रहा था कि रमा शंकर भैया बोल रहे हैं। और यही कहना है। अच्छा, आप रिपोर्ट लिखाने गए थे तो TI साहब के द्वारा आपको क्या बोला जा रहा था, क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी? TI साहब खाली हमको बैठा रहे थे, गाली और धमकी बस दे रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि बैठो बैठो, अगर इधर उधर करोगे तो, जैसे फोन वगैरह आ जाता था तो हमको गाली देते थे, बोलते थे कि अभी का तो तेरे को साले अंदर कर दूंगा। अच्छा, आपको खुद अंदर करने की बात कर रहे थे? बात कर रहे थे। कितने दिनों बाद आपकी रिपोर्ट लिखी गई थी? हमारा दो दिन के बाद, नहीं दूसरे दिन रात में 8:30 बजे रिपोर्ट लिखी गई है। और वो चाकघाट की महिला पुलिस आई है तब जाके लिखी गई है, लेकिन वो लोग नहीं लिख रहे थे, खाली हमको डरवा धमका रहे थे और बार बार की जोने या चला जाए वापस यहाँ। घटनाक्रम क्या है और आरोपी कहाँ है, अभी पकड़ा गया, क्या कार्रवाई? 23 अक्टूबर की ये घटना है। एक महिला जो है सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत शौच क्रिया के लिए घर से बाहर गई थी, शौच के दौरान जो है एक स्थानीय धर्मपाल पटेल नाम का व्यक्ति जो है उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला जब घर वापस आई, उसके पति दुर्गा उत्सव में पूजन के लिए गए थे, उनके आने पर जो है महिला ने अपनी घटनाक्रम को पूरा बताया, जिस पर उसके पति उसके घर गए मारपीट करने के लिए, मारपीट होने लगी, लोगों ने बचाव किया, वो भाग गया आरोपी। इसके बाद दूसरे दिन दिनांक 24/10/2023 को महिला अपने पति के साथ थाना सुहागी में गई और इस बात की सूचना दी, जिस पर थाना सुहागी में 376 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीवृत किया गया है, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी स्वयं कर रहे हैं। आज आरोपी कौन? धर्मपाल। ये सरपंच पति कौन है? ये धर्मपाल नाम है, संभवतः वो सरपंच पति हैं। और आज एक टीम जो है हमारी उत्तर प्रदेश गई है पकड़ने के लिए, सूचना मिली थी तो पार्टी रवाना है, जैसे ही गिरफ्तारी होती तो आगे पूछताछ करने के बाद जो जानकारी होगी आपके साथ शेयर की। पीड़ित का आरोप है सर कि वो किसी स्थानीय नेता का फोन आया, दो दिन तक मामला पंजीवृत नहीं किया गया, थाने में बैठा रखा गया। दिनांक 23 की रात की घटना है और वो 24 को सुबह आए हैं, तो उसकी सूचना पर रिपोर्ट पंजीवृत की गई है। 24 को दशहरा भी था, पुलिस बहुत व्यस्त थी और महिला की रिपोर्ट महिला थाना अधिकारी द्वारा की जाती है, उसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है क्योंकि महिला जो उपनिरीक्षक पद का कोई वहाँ पदस्थ नहीं है, तो दीगर थाने से बुला करके उनकी कायमी कराई गई है, कोई विलम्ब नहीं हुआ है। कि कोई स्थानीय नेता है रमा शंकर सिंह पटेल, उसका दबाव था पुलिस पर, ऐसा आरोप वर्तमान प्रत्याशी दिन ऐसी जो जानकारी जो आप बता रहे हैं ऐसा सत्य नहीं है। महिला के आने पे तत्काल जो है कार्रवाई हुई है और जो बेस्ट पॉसिबल था पुलिस के सामने वो कार्रवाई उनके लिए की गई है।